चलिए अपन यहाँ पे टैली ओपन कर लेते हैं। चलो अल्टर एफन से इस कंपनी से बाहर जाएंगे, सी प्रेस करके आप यहाँ पे कंपनी क्रिएट कर लेंगे। चलिए आप लोग क्वेश्चन निकाल लीजिए, सॉल्व करवा देते हैं। बोलिए फर्स्ट क्वेश्चन। बिजनेस स्टार्टेड विथ केस 5 लाख, आप यहाँ पे ए एल सी से एक लेजर बना लेंगे, कैपिटल अकाउंट का। कैपिटल अकाउंट अंडर में आपका कैपिटल अकाउंट में आएगा, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। अब अपन स्टेप की से बेच चलते हैं। इस की से यूज़ जब तक करते हैं जब तक आप गेटवे ऑफ टैली पे नहीं आ जाते। वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे, एंट्री करेंगे F6 से रिसीव वाउचर में। टू में आ जाएगा कैपिटल 5 लाख, बाय में आ जाएगा केस, एंटर करके आप इसे यहाँ से सेव कर देंगे। क्लियर है इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। माल खरीद रहे हैं तो एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर में। आप यहाँ पे S वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। नजद माल है, टू में आ जाएगा केस 65,000 का, बाय में आ जाएगा परचेस। अल्ट प्लस सी से परचेस का लेजा बना लेंगे, परचेस अकाउंट। परचेस अकाउंट अंडर में आपका परचेस अकाउंट में आएगा। एंटर करके सेव कर देंगे, एंट्री हो जाएगी बाय परचेस अकाउंट टू केस अकाउंट, एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलो। कमीशन मिला है, रिसिप्ट हो रहा है तो एंट्री करेंगे F6 से रिसिप्ट वाउचर में। अपन को मिल रहा है और इनकम तो बाय में केस लिखेंगे, और इनकम का नाम किसमें आता है? टू में। अकाउंटिंग का रूल है इनकम का नाम आता है टू में, और कमीशन अपन को मिल रहा है जो कि बिजनेस में आती है उसे बाय करते हैं। तो टू में अपन लिखेंगे कमीशन, अल्ट प्लस सी से कमीशन का लेजा बना लेंगे, कमीशन अकाउंट। कमीशन अकाउंट अंडर में आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, अपनी इनकम है अपन को मिल रहा है, एंटर करके सेव। कितना मिल रहा है? 15,000। बाय में आ जाएगा केस, क्योंकि अपने पास बिजनेस में केस आ रहा है, एंटर करके आप सेव कर देंगे। नेक्स्ट बोलो। ठीक है रखिए, अब अपन स्टेप की से बैच चलते हैं। अब आप जो माल खरीद रहे हैं उसमें आइटम है, अपन इनवॉइस वाले एंट्री कर रहे हैं। आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपन अभी कहाँ गेटवे ऑफ टैली पे, आप जाएंगे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाके एंटर करेंगे। अब देखिए आपको स्टॉक आइटम बनाना है, स्टॉक आइटम बनाने के लिए आपको उससे ग्रुप वहाँ पे बनाना पड़ता है। जब अपन लेजर बनाते थे वहाँ पे ग्रुप पहले से बने हुए आते थे, सिर्फ आप सिलेक्ट करते थे, लेकिन जब आप आइटम बनाते हैं तो आइटम से ग्रुप और यूनिट आपको बनानी रहती। तो देखिए अगर आप यहाँ पहले इसका ग्रुप बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बना सकते हैं, स्टॉक ग्रुप पे जाके ग्रुप बनाएंगे, यूनिट पे जाके अपन इसकी यूनिट बना लेंगे। लेकिन आप चाहते हैं स्टॉक आइटम पे जाके डायरेक्ट बना लें, आप स्टॉक आइटम पे जाके भी डायरेक्ट यहाँ से सब कुछ बना सकते हैं। अगर अलग से बनाना चाहते हैं तो अलग से ही बना सकते हैं, साथ में बनाना चाहते हैं तो यहाँ से अपन साथ में भी बना सकते हैं। अभी अपन स्टेप से बैठ चलते हैं। यहाँ पर पहले अपन बना लेते हैं, नहीं पहले अपन जाते हैं इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे, फिर स्टॉक ग्रुप पे। आप यहाँ क्रिएट करेंगे, अपन ओप्पो मोबाइल और सैमसंग का मोबाइल परचेस कर रहे हैं, तो ये क्या है? मोबाइल है। ग्रुप क्या हो जाएगा इनका? मोबाइल। अपन यहाँ लिखेंगे मोबाइल, ग्रुप क्या हो जाएगा? मोबाइल। अंडर में ग्रुप किस में आएगा? प्राइमरी में। ठीक है, ये मोबाइल से अंडर में ग्रुप क्या आएगा? प्राइमरी। एंटर करके सेव। क्लियर है इतना? अब अपन स्टेप से बैच चलते हैं। अब आप स्टेप की यूज जब तक करना जब तक आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे ना आ जाए, क्योंकि अब अपन यहाँ से इसकी यूनिट बनाएंगे। अगर आप पूरा बैच आ जाते हैं, मतलब अगर आप गेटवे ऑफ टैली पे आ जाते हैं, यहाँ से फिर आप इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे, फिर आप यहाँ से यूनिट पे जाएंगे। अब अपन यहाँ पे इसकी यूनिट क्रिएट करेंगे।
मोबाइल आपके किस में आते हैं? पीसेस में। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? पीसेस। एंटर करके सेव बना लेंगे आप लोग। अब अपन स्टेप से बैच चलते हैं। अब आप बनाएंगे स्टोर आइटम, क्रिएट करेंगे। अपन यहाँ पे ओप्पो का मोबाइल परचेस कर रहे हैं, तो नेम ऑफ आइटम में आप क्या लिखेंगे? ओप्पो। अंडर में से ग्रुप अपन ने बनाया था, देखिए देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ ग्रुप में आ रहा है यहाँ पे मोबाइल। अंडर में जिसमें डाल देंगे इसे मोबाइल में। अगर आप पहले वहां से नहीं बनाते तो यहाँ से डायरेक्ट कैसे बनाते हैं? अल्ट प्लस सी। अपन यहाँ से अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे, देखिए आ जाए आप स्टोर ग्रुप। यहाँ से आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। अब इससे ग्रुप हो जाएगा मोबाइल। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? पीसी। यूनिट भी अगर आप पहले नहीं बनाते, यहाँ से डायरेक्ट बनाते कैसे बनाते? अल्ट प्लस सी। इतना बना लेंगे, एंटर करके सेव। ये हो गया एक आइटम। अब अपन सैमसंग से मोबाइल भी ले रहे हैं, एक अपन बना लेंगे यहाँ पे सैमसंग मोबाइल से। अंडर में ये इसका ग्रुप भी क्या हो जाएगा? मोबाइल। यूनिट क्या हो जाएगी? पीसीस। एंटर करके सेव। इतने में कोई डाउट है? अब अपन स्केप से बेच चलते हैं। वाउचर एंट्री के लिए आप वी प्रेस करेंगे। माल खरीद रहे हैं तो एंट्री करेंगे F9 से परचेज वाउचर। अब अपन इनवॉइस की एंट्री कर रहे हैं आइटम के साथ, तो आप यहाँ पे एस वाउचर सेलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या सिलेक्ट है? एस इनवॉइस। अपन एंट्री किस में करेंगे? इनवॉइस में, ठीक है। पार्टी अकाउंट नेम में अगर आप नगद माल खरीद रहे हैं कैसे जाएगा? उधार माल है तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा। अभी नगद है तो पार्टी अकाउंट नेम में क्या लिखेंगे? कैश। परचेस लेजर में परचेस। एंटर करेंगे। नेम ऑफ आइटम क्या परचेस कर रहे हैं? ओप्पो मोबाइल, देखिए नाम आ रहा है। एंटर करेंगे। कितने पीस? 4 पीस खरीद रहे हैं, अपन यहाँ लिखेंगे 4। एंटर करेंगे तो वहाँ लिखा हुआ आ जाएगा 4 पीस। एक का रेट कितना है? देखिए अपन परचेस कर रहे हैं 4 पीस, एक का रेट कितना है? 20,000। आप जैसे ही एंटर करेंगे चारों का पीस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, चारों पीस का अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। फिर आप एंटर करेंगे। अपन सैमसंग का मोबाइल भी ले रहे हैं तो यहाँ डालेंगे सैमसंग। कितने पीस? 5 पीस, एक का रेट 25,000। एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। एंटर कर देंगे, इतना ही। सिर्फ अपन ओप्पो का और सैमसंग का मोबाइल परचेस कर रहे हैं। एंटर करेंगे। एंटर करके अपन इसे यहाँ से सेव कर देंगे। क्लियर है इतना? कोई डाउट है आप लोगों को? पूछिए, बोली, सॉरी बोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब अपन माल बेच रहे हैं, बेचने की एंट्री आप करेंगे F8 से सेल्स वाउचर। यहाँ पे अपन एस वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे। बोलिए फिर से क्वेश्चन बोलिए। डिस्काउंट केस डिस्काउंट। माल बेच रहे हैं, नगद माल है तो बाय में क्या आ जाएगा? केस। कंट्रोल प्लस एन करेंगे, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। 75,000 पे 5% केस डिस्काउंट अपन दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5/100। अमाउंट आ जाएगा 3,750। आप 75,000 में से माइनस कर देंगे 3,750, तो अमाउंट आएगा 71,250। अपन केस के सामने कितना लिखेंगे? 71,250। 2 में आ जाएगा सेल्स। अभी सेल्स का लेजर नहीं बनाए, अल्ट प्लस सी से सेल्स का लेजर बना लेंगे। सेल्स अकाउंट अंडर में आपका सेल्स अकाउंट में आएगा। एंटर करके सेव। इसमें अमाउंट कितना डालेंगे? पूरे 75,000। और बाय में आ जाएगा डिस्काउंट, अल्ट प्लस सी से डिस्काउंट का लेजर बना लेंगे। ये डिस्काउंट आपका सेल्स वाला है। अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। इसमें अमाउंट आ जाएगा 3,750। एंटर करके सेव। नेक्स्ट बोलिए। हाँ, 8,000 का माल आज में जल्दी नष्ट हो गया। एंट्री आप करेंगे जनरल वाउचर में, F7 से जनरल वाउचर में, क्योंकि क्या जला है अपना माल, कैश का लेन देन नहीं हो रहा। ऐसी एंट्री जिसमें कैश का लेन देन नहीं होता, एंट्री किसमें करते हैं? जनरल वाउचर में। अब बाय में क्या आ जाएगा? लॉस बाय फायर। अल्ट प्लस सी से लॉस बाय फायर का लेजर बना लेंगे। लॉस बाय फायर अकाउंट अंडर में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। एंटर करके सेव। 8,000 है ना?